हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे होम्योपैथिक दवा के बारे में, जिसका नाम है एपिस और पूरा नाम है एपिस मेलिफिसा। इसको हम किस बीमारी में और किस पोटेंसी में और किस ड्यूरेशन में यूज कर सकते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, इसका सिम्टम बताने के पहले मैं आपको यह नहीं बताने जा रहा हूँ कि यह दवाई किससे बनती है, किस दवाई जो है इस चीज़ से बनती है। अगर आप पेशेंट को बता देंगे तो वो पेशेंट दवाई नहीं, हर हाल में नहीं खाएगा। और हमारे साथ ऐसा ही हुआ, एक आदमी को, एक पेशेंट को हमने ब्राट्रा मदर टिंचर दिया और जब उसका दमा ठीक हो गया तो हम उसको बोले ये तो काकरोच से बनती है, तो वो जो है हमारे पर बिगड़ गया कि आपने हमको ऐसा दवाई क्यों दिया। तो चूँकि आपको दवा खाने से मतलब है, आपको जो तकलीफ़ है अपना तकलीफ सिम्टम्स मैच कराइए, सिम्टम्स मैच करता है तो आप दवाई लीजिए। ये दवाई कैसे बनती है, कहाँ से बनती है, कैसे बनती है, आपसे उससे क्या मतलब है, आपको खाली आम खाना है, पेड़ गिनने से क्या मतलब है। तो दोस्तों, आज का पहला सिम्टम, इसका यूनिक सिम्टम ये है कि आँख की जो नीचे हमारी पलक है, लोअर लिड्स जो है फूल जाती है ज़्यादा। ऐसी बीमारी में आपको जो है एपिस मेलिफिसा 30 पावर में 4 बूंद सुबह शाम कम से कम 15 दिन दीजिए, आपका स्वेलिंग जो है इस तरह का स्वेलिंग ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है कि पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन जैसा भी रहे, अगर जो है पेशेंट सोया हुआ है, चाहे वो बच्चा है चाहे एडल्ट हो, अगर वो पेशेंट सो रहा है और सोने में चिड़ाने लगा अचानक से, तो प्रॉब्लम कोई भी हो, आप उसको आँख बंद करके एपिस 30 देना चालू कर दीजिए। उसको जो भी प्रॉब्लम रहेगी एपिस से ठीक हो जाएगी, तो एपिस 30 उसको दीजिए, पेशेंट को जरूर से आराम हो जाएगा। दोस्तों, एपिस जो है एक स्लो एक्टिंग दवाई है, ये थोड़ा धीरे से काम करती है लेकिन बढ़िया काम करती है। ये जो है यूटीआई की जो है बहुत बढ़िया दवाई है। इसमें पेशेंट को जो है पेशाब नॉर्मली नहीं निकलता है, पेशाब करने के लिए जैसे अल्बुमिना में स्टूल करने के लिए बहुत जोर देना पड़ता है, वैसे ही एपिस में जो है इस पेशेंट को पेशाब निकालने के लिए बहुत जोर देना पड़ता है। और वो भी जो है जोर देगा तब जो है ड्राप बाई ड्राप निकलेगा और लास्ट जो अंतिम ड्राप रहेगा उसमें जो है बर्निंग रहेगी। तो ऐसे ईटूआई के केस में आप एपिस 30 4 बूंद करके दिन में 2 बार 3 बार लगातार 1 हफ्ता तक ले लीजिए, आपका ईटूआई का इन्फेक्शन इस तरह से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम थोड़ा माइंड पर है, जैसे आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है, कैन नॉट कंसंट्रेट, जब पढ़ने को आप बोलेंगे तो जो है जी चुराएगा क्योंकि उसका माइंड कंसंट्रेट नहीं हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट को, ऐसे बच्चों को आप जो है एपिस दीजिए 30 पावर में, सुबह शाम दीजिए, 2-2 बूंद दीजिए, बच्चा आपका जो है बढ़िया पढ़ेगा और उसका कंसंट्रेशन भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम यह है कि बच्चा हो चाहे एडल्ट हो, ब्रेन में ऐसी कोई बीमारी हो जाती है कि जो है अपना हेड ऐसे गद्दा पर बोरिंग करता है, बार बार ऐसे बोरिंग करता है, तो ऐसा सिम्टम मिलता है, एपिस 30 सुबह शाम 4-4 बूंद करके दे दीजिए, आपको 200 देने की ज़रूरत नहीं है। इस दवाई से, इस पावर से उसका प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है कि जो हमारा अपर का लिप्स है ये फूल जाता है, खाली अगर ऊपर का लिप्स फूल गया आपका, आप आँख बंद करके एपिस 30 सुबह शाम दे दीजिए 4-4 बूंद करके पानी के साथ में, पेशेंट की जो लिप्स में सूजन है वो आराम हो जाएगा। दोस्तों, कैंसर बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत ही कम ऐसा स्टेज हुआ है जो प्राइमरी स्टेज में अपना इलाज कर लिया, कंफर्म कर लिया तो वो ठीक हो जाता है। जैसे ब्रेस्ट में कैंसर हो गया तो एक ब्रेस्ट में कैंसर हो गया तो ब्रेस्ट का जो है अगर इनिशियल स्टेज में होम्योपैथी में दवाई किया जाए तो ठीक है। यह जो है कैंसर ऑफ द ट्रंक, ट्रंक में अगर किसी को कैंसर हो तो सिंपल भाइबम की तरह यह भी एक दवाई है, तो ये जो है ट्रंक के कैंसर में दी जा सकती है। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है, इसके पेशेंट को दूध खाने की बहुत इच्छा होती है, क्रेविंग फॉर मिल्क, जैसे कलक्रिया कर्म का पेशेंट जो है अंडा खाने की बहुत इच्छा होती है, एंट्रिम टाट के पेशेंट को एप्पल खाने की इच्छा होती है, एंट्रिम क्रूड के पेशेंट को अचार खाने की इच्छा होती है, वैसे ही इसके पेशेंट को दूध मिल गया मानो जीव जहान आ गया। तो ऐसे पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो, जिनको दूध अच्छा लगता हो एपिस दे दीजिए, उनकी जो सर्दी खांसी या कोई हल्की फुल्की बुखार है उनका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, हम जो है जब शौच करने के लिए जाते हैं तो हमारा पेशाब पहले नहीं निकलता है, जैसे आपको हम अपने पहले वाले वीडियो में बताए थे म्यूरिक एसिड में है कि जब तक हमारा स्टूल नहीं निकलेगा तब तक पेशाब नहीं होगा। एपिस में कोई आपको मेंटल सिम्टम की ज़रूरत नहीं है, एपिस में अगर आपको लगता है हम मोशन करने जाएंगे पेशाब आपका नहीं हो रहा है, पहले स्टूल निकलेगा तभी पेशाब होगा, ऐसे सिम्टम में आप जो है एपिस 30 4-4 बूंद सुबह शाम कम से कम 2 हफ्ता लीजिए, तो आपका जो है यूरिन पहले निकलेगा, स्टूल बाद में निकलेगा।
दोस्तों उसका अगला सिम्टम फीमेल पर है और फीमेल पर जो है बहुत बढ़िया सिम्टम है। फीमेल को अगर राइट ओवरी में सूजन आ गई है, राइट ओवरी में अगर ट्यूमर है, तो ऐसे केस में एपिस मेलिफिका बहुत बढ़िया दवाई है। एपिस 30 पावर में 4 मुंह सुबह शाम लगातार खानी पड़ेगी, तो उनका जो है ओवरी में ट्यूमर आ गया है वो भी ठीक हो जाएगा और ओवरी जो सूज गई है, फूल गई है, वो भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसका अगला सिम्टम है अर्टिक्रिया पर। अर्टिक्रिया पर ढेर सारा दवाई है, जिसका सिम्टम मिलेगा उसका आप देंगे, लेकिन इसमें क्या है कि अगर अर्टिक्रिया हो गई है और बहुत इचिंग हो रही है, अगर बर्निंग हो रही है, तो आपको सल्फर देनी है। लेकिन आपको अर्टिक्रिया है और खाली खंजरी ज़्यादा है, मेन है, तो आप जो है एपिस 30 4-4 बूंद करके 3-3 घंटा पर 3-4 दिन दे दीजिए, आपका अर्टिक्रिया ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसका अगला सिम्टम और बहुत इंड्यूस सिम्टम यह है कि सडन पीपीफाई ऑफ द होल बॉडी, माने पूरा समस्त बॉडी आपकी अचानक से फूल जाती है, पांव फूल गया, हाथ फूल गया, पेट फूल गया, तो आप अपना इलाज करवाइए, लेकिन एपिस को लेना मत भूलिए। एपिस 30 देना चालू कर दिए 4 मुंह सुबह शाम अपना डॉक्टरी दवाई के लिए, तो उसका सूजन जो है 1 हफ्ता के अंदर में आराम हो जाएगा, बाकी आप ट्रीटमेंट डॉक्टर के सारे आप करते रहिए। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है डिप्थेरिया पर। अगर गले का सारा पार्ट अगर सूज गया हो, गले का सारा पार्ट, इफूला जो है बैक की तरफ फूल गया है, और सबसे बड़ी बात है ट्रंक हमारी इतनी ज़्यादा सूज हो गई है, आप माउथ नहीं खोल पा रहे हैं, इतनी ट्रंक सूज गई है, पूरा एरिया आपका कवर कर लिया है, जिससे जो है सफोकेशन होता है और पेशेंट एक्सपायर कर जाता है। तो डिप्थेरिया के केस में होम्योपैथिक डॉक्टर को चाहिए वो केस को जो है आईडी हॉस्पिटल में या कहीं भी भर्ती कर दे, खाली आप दवाई दे दीजिए, अगर आपका सिम्टम मिलता है दे दीजिए, लेकिन आप जो है डॉक्टर के सारे पर रहिए। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है कि यह जो स्टाई पर बहुत अच्छा काम करती है। हालांकि हम जानते हैं कि अगर स्टाई बार बार हो रही है तो इसकी मेन दवाई जो है थूजा है और स्टेपिसग्रिया है, लेकिन एपिस जो है पीछे से बोल रहा है अरे भाई हम भी स्टाई ठीक करते हैं और स्टाई को दोबारा नहीं निकालते हैं, माने स्टाइज को ठीक करती है और उसके अलावा प्रिवेंट भी करती है। एपिस 200 का एक डोज हफ्ता में एक बार करके दीजिए, उनका स्टाई जीवन में कभी नहीं निकलेगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है ओसीडी। ओसीडी में यह बहुत बढ़िया काम करती है, हालांकि सिफिडिनम भी काम करती है बहुत बढ़िया, लेकिन उसमें क्या है सिफिडिनम में आदमी बार बार हाथ धोता है वॉशिंग, तब सिफिडिनम काम करेगी। लेकिन दोस्तों ओसीडी में जो है अगर पेशेंट को थोड़ा बेचैनी रहे और कोई सिम्टम नहीं रहे, बेचैनी रहे थोड़ा, तो ऐसे पेशेंट को आप जो है एपिस, चूँकि ये मेंटल केस है तो मेंटल केस में हमेशा ओनम दिया जाता है, तो 15 दिन में एक बार जो है एपिस ओनम दीजिए। तो अगर पेशेंट को ओसीडी के साथ में खाली डॉक्टर बोल दिए ओसीडी है, लेकिन जो है कोई ऐसा सिम्टम नहीं है, खाली पेशेंट को थोड़ा बेचैनी होती है, तो ऐसे पेशेंट को आप एपिस ओनम 15 दिन में एक बार दे दीजिए, उसको देखेगा आस्ते आस्ते 6 महीने के अंदर में उसका ओसीडी जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसका अगला सिम्टम है, आप जानते हैं अच्छी तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस माने उम्र के अनुसार जो है हमारे जोड़ में जो टेंडन और लिगामेंट होते हैं वो सब खराब हो जाते हैं, वो सब घिस जाते हैं, तो इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। लेकिन इसके ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि इडिमिटेड सोलिंग होता है, माने सोलिंग रहेगा, आप जहाँ दबाएंगे वहाँ पर गड्ढा बनता जाएगा, आपको सोलिंग रहेगा, दर्द रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन इडिमिटेड सोलिंग आप जहाँ दबाएंगे वहाँ पर उंगली अंदर चली जाएगी। ऐसे केस में आप एपिस 30 जो है लगातार दीजिए, सुबह शाम जो है 30 पावर में रोज दे सकते हैं और 200 हफ्ता में एक बार दे सकते हैं, आप इसी दवाई पर डिपेंड करके दीजिए। अगर उसमें इडिमा हो गया है तभी ये दवाई काम करेगी, नहीं तो आपका कलकरिया फुल रूटा तो है ये काम करने के लिए। दोस्तों इसका अगला सिम्टम ये है कि इसका पेशेंट जो है एकदम जलसी होता है और इसके पेशेंट को प्यास भी नहीं रहती है, तो ऐसा पेशेंट अगर मिले तो आप उसको जो है एपिस 30 सुबह शाम कुछ दिन कर देंगे, तो उसका जलसीपन ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम यह है कि यह दवाई घर में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो है इंसेक्ट बाइट, कोई आपको इंसेक्ट काट लिया, दर्द होने लगा, खजवाने लगा, फूल गया, सूजन हो गया, एपिस आप तुरंत खिला दीजिए, जो भी पावर में है, 30 पावर में है, 200 पावर में, जो भी पावर में आप एपिस तुरंत खिला दीजिए, वो आराम हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है गर्मी से तकलीफ बढ़ जाती है, कोई भी तकलीफ हो तो आप एपिस 30 पावर में 4-4 बूंद करके सुबह शाम कुछ दिन ले लीजिए, तो आपको हीट से कोई भी बीमारी बढ़ रही है आपकी बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ तूफान और बिजली चमक रही है, तो आशा है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में जो है #AskDrPSTiwari देकर पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा।
दोस्तों अगर आप हमसे अपना ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, हमसे इलाज करना चाहते हैं, आप अपना पूरा डिटेल व्हाट्सएप कर सकते हैं। कंप्लीट ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।